नशेड़ी दरोगा को किया एसएसपी ने सस्पेंड, शराब के नशे में गए थे लेनदेन का विवाद सुलझाने। सोशल मीडिया पर थाना देवनिया में तैनात एक दरोगा का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के संबंध में बरेली के एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया ने आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। दरोगा का नाम सूरजपाल सिंह बताया जा रहा है। बरेली पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति थाना देवनिया पर नियुक्त दरोगा पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वीडियो की जांच के बाद पता चला कि दरोगा अपने एक साथी मिट्ठू के फेवर में दूसरे शख्स विनोद से, जिनका आपस में रुपयों के लेनदेन का विवाद था, उस संदर्भ में गए थे। इस प्रकरण में एसआई का शराब के नशे में होना भी पाया गया। इस पर एक्शन लेते हुए एसएसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया है। तो तय बहुत पिए हुए मेडिकल और दूसरों को भी पिलवाते हैं, रात को पकड़ते हैं लड़कों को, जबरदस्ती पिलवाते हैं। इस लड़कों के पीने वाली उम्र है नहीं, लेकिन जबरदस्ती पिलवा रहे हैं। इनके बच्चे होंगे हमारे भाई, इनने मार मार के पिलवाई। दोनों दो लोग थे, एक इनके साथी होंगे, इनसे पूछ सकते हैं साहब। कौन साथी क्या? हाँ, इनसे पूछो कौन साथी थे। मिट्टू, अरे वो मिट्टू है, रेलवे फाटक, रेलवे फाटक पे ड्यूटी कर रहा है, कर रहा है रेलवे फाटक पे। 50,000 बोले थाना दुर्ग, हमें जो भी लगता है जे है नहीं है दरोगा। 50,000 किस बात के मांग रहे थे? जे 50,000 रुपए किस बात के मांग रहे? हमें जो भी लगता है दरोगा है नहीं है। अच्छा, हमें जो भी लगता है दरोगा है नहीं है, है या नहीं है? हमें जो भी पता है दरोगा है थाने में नहीं है। आप कह रहे हैं दरोगा मन का है हमारे घर पे? हाँ, घर पे है दरोगा मन का। 50,000 मांग रहे हैं हमसे पूरे कि हम पाँच दस दिन। ठीक है, खुश हो रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है आपकी, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में फायर कट गया और तुम 50,000 और भैपुरी तक के काहे के पैसे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति थाना क्षेत्र देवरनिया में नियुक्त उपनिरीक्षक पर कुछ आरोप लगा रहे हैं। उस वायरल वीडियो की जांच कराई गई तो पाया गया कि उपनिरीक्षक अपने एक साथी मिट्ठू के फेवर में दूसरे व्यक्ति विनोद से, जिनका आपस में पैसे का लेनदेन का विवाद था, उस संदर्भ में गए थे। इस प्रकरण में उपनिरीक्षक चूंकि शराब के नशे में भी थे, उनका मेडिकल कराया गया तो वो भी इंटॉक्सिकेशन की हालत में पाए गए हैं। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को आख्या प्रसिद्ध की गई है, जिसमें उनके द्वारा उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।